अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका ज़हूर आपके हुज़ूर हाजिर है नई वीडियो के साथ। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो भेजी है हमें पप्पू रस्तोगी जी ने, हुमर कबूतरों की। पिछले साल भी शेयर की थी हमने अपने चैनल पे और इस साल भी बहुत सारी उन्होंने वीडियो भेजी मुझे, लेकिन मैं मशगूली की वजह से शेयर नहीं कर पाया। लेकिन यह है कि मैंने अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दिल्ली में भी धीरे धीरे हुमर रेसिंग हुमर का शौक बढ़ रहा है। अभी कल परसों मैंने एक वीडियो देखी थी जिसकी शॉर्ट क्लिप मैंने अपने चैनल पे भी डाली है, कहीं पता नहीं वो साउथ में किसी जगह पर हैं, एक बहुत सारे कबूतर छोड़े गए हैं एक साथ, जैसे बाहर छोड़े जाते हैं इसी तरह से। तो इनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है, अभी धीरे धीरे अपने जो है डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। तो अभी कल का बता रहे थे मुझे कि रोहतक से छोड़ने थे 100 किलोमीटर से, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से शायद नहीं छोड़ें। तो जहाँ भी जाते हैं जैसे भी जाते हैं वो रोज़ाना की वीडियो मुझे भेज देते हैं। मेरे पास बहुत सारी जमा हो रही है, मैं कौन सी मिक्स हो जाएंगी क्या होगा, बहरहाल मैं एक वीडियो बना के आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आप देखिएगा पप्पू जी का शौक और उनकी हौसला अफजाई करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। ये दिल्ली भेज रहे सर उमर ग्रुप की तरफ से, तो छोड़े जा रहे हैं समझे। और ये इसमें 2 गली का 4 गली का पट्टा भी है, टूर्नामेंट भी है इसका 350 किलोमीटर का। और ये 16 तारीख 12/12/2022 पीला गड़ी चौक से छोड़े जा रहे हैं ये। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे समझे। मामा इनको दोनों हाथ में है, इनके हाथ में लो जी। दो भाई एक साथ ही छोड़े तुम्हारे हमारे, अलग अलग छोड़ेंगे क्या करें? नहीं नहीं, अरे एक काम है तुम्हारे हमारे, बताओ मामा। चालू हो गई चालू करना माँ, चालू है ना? हाँ चालू है। छोड़ो छोड़ो ये वाली छोड़ो, बनाओ वीडियो बना दो बंद कर दो। ये दिल्ली पेजर रेसर उमर ग्रुप, शांति मोहल्ला, पप्पू रस्तोगी। ये यासिन भाई मुर्गे वाले, इनके भी कबूतर हैं इसमें। और एक फटकी पप्पू भाई की छूट चुकी है, दिल्ली पेजर रेसर उमर से हैं ये, समझे। ये हमारे छोटे भाई जी मेहमान कलाकार आए हैं यहाँ पर, रेसर वाले ये भी साथ समझे, पाँच लाएंगे ये भी, ये 5-7 ये भी लाए भाई।
उल्टी जी थोड़ा जल्दी है तो कोई नहीं है तो सब साथ कह रहे लेट हो रहे भाई जल्दी बोलो। और ये यासिन भाई के भी कबूतर है तो आगे बैठो। दिशा घूम गई है कबूतर जो है देखो कबूतर रुका नहीं है एक सेकंड में कबूतर गायब है। मामा बोलो जैसे आपको बता रखा है एक ये यासिन भाई मुर्गे वालों के भी कबूतर है भाई टीलागढ़ी चौक से आए हैं ये छोटू भाई के पास भाई मुर्गे वाले हम वो लड़कियों से मिल रहे थे ये जो है चौक से कबूतरों को छोड़ा जा रहा है और ये जो है ये भी काम भी आने वाले टाइम से अरे आने वाले टाइम से 350 किलोमीटर से छोड़े जाएंगे समझे। हाँ देखे जरा किसमें कितना आए थे हम समझे हमारे दिल्ली भेज रहे सर उम्र के एक से एक बड़े योद्धा है इसमें और सारे के सारे ये टूर्नामेंट में पिछले साल भी छोड़े थे इन्होंने इस साल हमारे नए जुड़े हैं यासिन भाई मुर्गे वाले भी जुड़े इसमें हमारे और छोटू भाई भी है इसमें भाई ये छोटू भाई के 5 कबूतर है और यासिन भाई मुर्गे वालों के इसमें कबूतर हैं 10 कबूतर यासिन भाई मुर्गे वालों के 5 कबूतर छोटू भाई के उस्मानपुर तीसरे पुश्ते से हैं और ये पीलागढ़ी चौक से छोड़े जा रहे हैं भाई। हाँ भाई इसमें हमारे मुखिया हैं जी हमारे पर एक भी ये भाई देख लो भाई सच में पीलागढ़ी से छोड़े हैं दुनिया बोलती है हम चूतिया मनाते हैं। ये देखो जी सामने होटल की ले ली उस्मानपुर मेट्रो स्टेशन का पीलागढ़ी का जो मर्जी आ जाए ना और जब मर्जी देख लेना आके और ये नंबर लिखा हुआ सामने होटल का ये खड़े यासिन भाई इस रूप में हैं सब के ये खड़े यासिन भाई खड़े हुए हैं हम बीड़ी बीड़े भाई साहब बीड़ी वाले हैं कहाँ भाई कटवी साली पूरी हो गई बहादुर गांव ट्रक मार्केट है ये यहाँ से छोड़े जा रहे हैं 17 तारीख 2022 बारवा महीना और ये दिल्ली पेजर रेसर उमर के उससे कबूतर छोड़े जा रहे हैं और भाई ये कंपटीशन में भी है 350 किलोमीटर ये यासिन भाई के कबूतर हैं यासिन भाई मुर्गे वालों के भी छोड़े जा रहे हैं और ये पप्पू भाई और हमारे कबूतर हैं ये समझे ये 50 कबूतर बॉर्डर से आगे से समझे और ये उस्ताद अब्बा सारी और ताज खलीफा उनके पप्पू खलीफा और हम खलीफा ये उनके छोड़े जा रहे हैं पप्पू भाई के वीडियो कॉल आ रही है रोक दूं ये दूसरी फड़की छूटी जा रही है अब समझे और ये यहीं से छोड़े जा रहे हैं दूसरी फड़की ये भी बहादुरगढ़ समझे बहादुरगढ़ Yeah.
कि आज 19 तारीख का मौसम है। भयंकर कोहरा पड़ रहा है अभी। भयंकर कोहरा आओ जी, लो जी इधर मारो। ये जुल्फी खलीफा आए हैं कर लुगाई बेटा, हुए सब पता लगा है। जब तुमने मुझे आधे घंटे का बोला था उस टाइम क्यों नहीं आए थे भाई? मैं वहां था, क्या नाम है, चौक पे।